अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। मेरा नाम अबूजर खान है और आप लोग देख रहे हैं टेक्निकल अबूजर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि अगर आप लोग के साथ फेसबुक पर कुछ इस तरह का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, यू सबमिट एन अपील, तो दोस्तों आप लोग ने इस तरह की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर देना है, आप लोग ने इस तरह की प्रॉब्लम को कैसे जो है हल कर देना है। तो दोस्तों सब कुछ इस वीडियो में आप लोग ने वीडियो को एंड तक वॉच कर देना है और वीडियो का एक स्टेप भी मिस नहीं करना है। इसके साथ साथ दोस्तों अगर आप लोग ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल अबूजर को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन कॉल पर भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिलता रहे। जी बिल्कुल दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, यू सबमिट एन अपील। तो दोस्तों यहाँ पर आजकल जो है फेसबुक पर इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। अब आप लोग ने इस तरह की प्रॉब्लम को कैसे इसका सलूशन निकाल देना है, आप लोग ने इस तरह के अकाउंट को कैसे रिकवर कर देना है, तो दोस्तों आप लोग ने वीडियो पर एंड तक बने रहना है। इसके बाद दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग ने क्या कर देना है, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को ओपन कर देना है। अगर आप लोग ने अभी तक इंस्टाग्राम अकाउंट को क्रिएट नहीं किया तो आप लोग ने क्रिएट कर देना है। इसके बाद दोस्तों आप लोग ने यहाँ पर कोई भी अकाउंट को सेलेक्ट कर देना है। अकाउंट को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप लोग ने इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। प्लस वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग ने एक फ़ोटो को जो है इंस्टाग्राम पर अपलोड कर देना है। सबसे पहले दोस्तों आप लोग ने क्या कर देना है, यहाँ पर आप लोग ने यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद यहाँ पर आप लोग ने फेसबुक को ओपन कर देना है, जिस फेसबुक में आप लोगों ने वही अकाउंट को लॉगिन कर दिया है जिसमें आप लोग के साथ वही प्रॉब्लम है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग ने थोड़ा सा वेट कर देना है, मैं यहाँ पर उस प्रॉब्लम से एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। जी बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर आप लोग ने देख लिया कि मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लिया। स्क्रीनशॉट लेने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो पहला वाला स्क्रीनशॉट है वो यहाँ पर लग चुका है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग को ऊपर एरो वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर सिंपली आप लोग ने उस एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। एरो पर जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप लोग के साथ यहाँ पर फिर से एक नया इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग के साथ बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएगी, लेकिन दोस्तों यहाँ पर पहला नंबर वाला एक ऑप्शन है राइट अ कैप्शन। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग ने एक फीडबैक जो है यहाँ पर डाल देना है। जी बिल्कुल दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक फीडबैक जो है यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आप लोग को ये जो फीडबैक है ये आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप लोग ने नीचे जो अकाउंट का इन्फॉर्मेशन है वो आप लोग ने यहाँ से हटा देना है, क्योंकि जब आप लोग पोस्ट करेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन जो है वो कोई भी देख सकता है, तो इसको आप लोगों ने यहाँ से रिमूव कर देना है। जी बिल्कुल दोस्तों, जैसा कि आप लोग ने यहाँ पर देख लिया कि मैंने रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद आप लोग ने ऊपर टिक मार्क पर क्लिक कर देना है और टिक मार्क पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग के साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पर शेयर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप लोग ने क्या कर देना है, सिंपली दोस्तों आप लोग ने यहाँ पर इंस्टाग्राम को सेलेक्ट कर देना है। आप लोग ने सिंपल उसको इंस्टाग्राम से पोस्ट कर देना है। जी बिल्कुल दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट और इसके साथ साथ एक फीडबैक जो है वो टाइटल में डाल दिया है। तो दोस्तों ये था स्टेप नंबर वन। इसके बाद दोस्तों आप लोग ने स्टेप नंबर टू को मुकम्मल कर देना है। इसके लिए आप लोग ने क्या कर देना है, आप लोग ने सिंपली जीमेल पर जाना है। जीमेल पर जाने के बाद आप लोग ने यहाँ पर कोई भी अकाउंट को सेलेक्ट कर देना है और फिर इसके बाद दोस्तों आप लोग को यहाँ पर नीचे कंपोज वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग ने कंपोज पर क्लिक कर देना है। कंपोज पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग के साथ कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग का जो ईमेल है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली लग चुका है। यहाँ पर आप लोग ने टू की जगह टाइप कर देना है support@facebook.com। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग ने टाइप कर देना है यू सबमिट एन अपील। यहाँ पर आप लोग ने देख लिया कि मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया यू सबमिट एन अपील। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग ने कंपोज ईमेल की जगह आप लोग ने एक फीडबैक जो है यहाँ पर पेस्ट कर देना है और वो फीडबैक आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पर फीडबैक को पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आप लोग को ऊपर अटैच फाइल वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग ने अटैच फाइल पर क्लिक कर देना है। अटैच फाइल पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर दोस्तों मैं यहाँ पर इस अकाउंट का जो आइडेंटिटी कार्ड है, मतलब इसके साथ जो अटैच है, तो दोस्तों यहाँ पर मैं वही आइडेंटिटी कार्ड जो है वो यहाँ पर अटैच कर देता हूँ। इसके लिए आप लोग ने क्या कर देना है, थोड़ा सा वेट कर देना है। और फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर जो आइडेंटिटी कार्ड था वो मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर अपील के आखिर में अकाउंट की कुछ इन्फॉर्मेशन है तो वो आप लोग ने फिलअप कर देने हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर सारा इन्फॉर्मेशन जो है फिलअप कर दिया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग को ऊपर सेंड वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग ने सिंपली सेंड कर देना है।
जी बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर अपील भेज दिया है ईमेल के थ्रू फेसबुक टीम को। इसके बाद दोस्तों आप लोगों ने इस तरह एक दो हफ्तों तक मुसलसल कर देना है, फिर इसके बाद आप लोगों का जो फेसबुक अकाउंट है वो रिकवर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग के साथ और कोई भी मसला हो तो आप लोग मेरे साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी रब्ता कर सकते हैं। मैंने आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों का लिंक दे दिया है, अगर आप लोग चाहें तो आप लोग वहाँ पर रब्ता कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक नई ज़बरदस्त टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दे, अल्लाह हाफिज़।